बताना चाहूंगी कि आप बाजार से बहुत सारे प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं, उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। आजकल सभी लोगों को जुनून चढ़ा हुआ है क्योंकि पतला होना सभी को अच्छा लगता है, इसलिए लोग जिम जाना पसंद करते हैं। और जिम पे जाते हैं सबसे पहले उनकी एक फरमाइश होती है कि आप प्रोटीन पाउडर खरीदें। प्रोटीन पाउडर सभी के लिए मैं कहूंगी कि अच्छा नहीं होता। आज मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स जो घर से ही हमने लेने हैं उनसे आपको प्रोटीन पाउडर बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे प्रोटीन पाउडर बनाते हैं और उसके आपके कितने बेनिफिट्स हैं। अब हमने क्या करना है कि इन सब बीजों को एक एक करके धीमी आंच पर, बहुत धीमी आंच पर इसे हम हल्का हल्का भूनेंगे। धीरे धीरे इन्हें भूनना शुरू करें, बिल्कुल धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें हमें भूनना है। ये भून गए। अब हम लेंगे दूसरे वाले मगज। ये प्रोटीन पाउडर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपके जो मस्कुलर पेन रहता है, जो हड्डियों में दर्द रहता है, जो आपको दिन भर के काम करने के बाद कमजोरी महसूस आती है, उन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है, ये बूढ़े, बच्चे, जवान, महिला, पुरुष सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ये बड़े आसानी से घर में बन भी जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप इसे हर सीजन में ले सकते हैं, 12 महीने तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि सीड को ब्राउन नहीं करना, बहुत हल्का सा इनका कलर चेंज होगा। और इन्हें एक एक करके भूनिए। शरीर में मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम सभी को पूरा करते हैं ये, आपकी इम्यूनिटी को बनाकर रखते हैं। पम्पकिन सीड भी हैं ये, और ये सभी बड़े आराम से, आसानी से आपको बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं। जब आपके शरीर में कमजोरी होती है तो आपकी एंजाइटी बढ़ती है। सबसे पहले एंजाइटी से जुड़ी और समस्याएं जैसे नींद ना आना और ये सब प्रॉब्लम्स भी क्योर होती हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले लेने हैं मगज। ये है हमारा सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, तरबूजे के बीज, खरबूजे के बीज। और इसके अलावा आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। ये पांचों तरह के मगज हो गए। अब इसमें हम डालेंगे बादाम। इन्हें भी हम बहुत धीमी आंच पर भूनेंगे। भूनते समय ध्यान रहे, चलाते रहें इसे लगातार। बादाम को भूनने में थोड़ा बीजों से ज़्यादा समय लग सकता है। ये आपके बादाम भी भून गए। अब हम इसमें डालेंगे काजू। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, काजू को अवॉइड कीजिए, काजू ना डालें। काजू भी आपके भून गए। इन्हें भी इसी बर्तन में निकाल लीजिए। अब इसे हल्का ठंडा होने के लिए रख दें। 5 से 10 मिनट में ये ठंडे हो जाएंगे। इसके बाद इसे मिक्सी में डालकर पीस लीजिए। ध्यान रहे मिक्सी को बहुत तेज़ नहीं चलाना, आराम से धीरे धीरे इसे पीसेंगे। ये देखिए आपका इतना सुंदर, इतना अच्छा प्रोटीन पाउडर बनकर तैयार है। अब इसे दूध में 2 चम्मच डालिए और पीजिए। आप भी पीजिए, अपने घर में सभी को पिलाइए। ये आपका प्रोटीन पाउडर बनकर तैयार है। मैं डॉक्टर रोमिता खुराना, नेचुरोपैथ एवं एक्यूपेशन स्पेशलिस्ट, और मुझसे जुड़ने के लिए करनाल प्लस के दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।